नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V20 से वर्सेस Vivo Y72 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo V20 से में 6.34 इंच जबकि Y72 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo V20 से में 2.91 इंच जबकि Y72 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo V20 से में 0.31 इंच जबकि Y72 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo V20 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo V20 से में 171 ग्राम्स जबकि Y72 5G में 185.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo V20 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo V20 से में AMOLED जबकि Y72 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo V20 से में 6.44 इंचेस जबकि Y72 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo V20 से में 1080x2400 और Y72 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo V20 से में 84.04% जबकि Y72 5G में 84.59% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo V20 से में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y72 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo V20 से में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y72 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्रीमियर कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो मैसेरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo V20 से में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y72 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo V20 से में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y72 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo V20 से में Adreno 610 जबकि Y72 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo V20 से में Qualcomm Snapdragon 665 और Y72 5G में Qualcomm Snapdragon 480 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Vivo V20 से में Android V10 Q जबकि Y72 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo V20 से में 4100 mAh जबकि Y72 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Vivo V20 से 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Y72 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V20 से में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y72 5G की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Vivo V20 से आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y72 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y73 2021 है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 7 Pro है जो कि 17,599 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy M31 है जो कि 18,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 है जो कि 22,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।